साल डेढ़ साल गाड़ी बंद कर दो, चालू है। चालू है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। चैनल के सभी वीडियोस काफी देखे जाते हैं और काफी शेयर भी करे जाते हैं, पर अभी भी 75% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर इन वीडियो से आप अवेयर हो रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन से सारे नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक्सटेंड की डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान से रिपोर्ट हुए एक्सीडेंट में हमने देखा था कि ट्रक से गिरे मार्बल कंटेनर की वजह से स्विफ्ट डिज़ायर काफ़ी बुरी तरह से डैमेज होती है। और एक ऐसा ही एक्सीडेंट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है जहां गाड़ी को पहचाना मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी थी कौन सी। एक्सीडेंट छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हुआ है जहां महासमुंद के गाड़ाघाट पुल पर एक धान से भरा ट्रक बिल्कुल नई स्विफ्ट पर पलट जाता है और हादसे में कार में 3 लोग की डेथ हो गई। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। बाकी 2 लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड हैं जो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स होने का रीज़न कई बार होता है ट्रक वगैरह से सेफ डिस्टेंस ना मेंटेन करना, और कई बार ट्रक वालों की भी गलती रहती है जब ट्रक को ओवरलोड किया जाता है। यहाँ भी ट्रक में सामान काफ़ी था, साथ ही ट्रक थोड़ी स्पीड पर भी थी, जिस वजह से ट्रक पुल चढ़ते वक्त अनकंट्रोल होकर स्विफ्ट पर पलट गया। कार की हालत यहाँ काफ़ी डरा देने वाली है। जैसा मैंने कहा कि इस तरह के एक्सीडेंट्स में हम कार की बिल्ड क्वालिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर एक सेफ कार कुछ हद तक शायद अच्छा परफॉर्म करे और लोग शायद बच जाएं। ये जो शायद का फैक्टर है, ये कार की बिल्ड क्वालिटी लाती है। अगर आपके पास ऑप्शन है एक बेटर बिल्ड कार लेने का, तो कोई क्यों ना उसे ले, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट में एक हल्की बिल्ड कार से ये कार्स अच्छा परफॉर्म करेंगी। और यहाँ गलती इनकी नहीं थी जो कार चला रहे थे, और यही मैं इन वीडियोस से दिखाना चाहता हूँ। एक्सीडेंट में 80% टाइम्स आपकी गलती नहीं होगी, आप सेफ स्पीड पर चल रहे होंगे तब भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे में कार की अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको बचाने के ज़्यादा चांसेस रखती है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार यहाँ पहचानी नहीं जा रही है। एज इंस्टाग्राम पर मुझे 2 मैसेजेस आए थे जिनमें से एक व्यूअर ने इसे मारुति डिज़ायर बताया था। तो एक्सीडेंट कभी बता कर नहीं होते, ऐसे में शायद की बात किए बिना हमें एक सेफ कार लेनी चाहिए, ताकि हमें ये ना कहने पड़े कि शायद वो कार होती तो लोग बच जाते। हमेशा एक सेफेस्ट कार खरीदने की कोशिश करें और 4 स्टार से नीचे स्कोर करने वाली कार को अवॉइड करें, स्पेशली उन कुछ हल्की गाड़ियों को जो 0, 1 या 2 स्टार्स ही क्रैश टेस्ट में ला पाई हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें उनके साथ जिनकी सेफ्टी की आपको सच में फिक्र है। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।